भारत में अभी तक आपने जिस नदी का नाम सुना होगा उन सभी को स्त्री मानकर पूजा की जाती है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा। हम इन सभी नदियों को माँ मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं, लेकिन इन सब में दो नदी ऐसी भी है जो पुरुष माना जाता है। इन नदियों को स्त्रीलिंग न मानकर इसे पुल्लिंग का दर्जा दिया गया है। वेदों में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि यह भारत में है, यह ऐसी नदी है जो केवल पुरुष का रूप है। पहली है ब्रह्मपुत्र और दूसरी के बारे में आइए बताते हैं। हम बात कर रहे हैं सोन नदी के, जो भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में सबसे बड़ी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। यह मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। इस नदी का नाम सोन पड़ा क्योंकि इस नदी के बालू रेत पीले रंग के होते हैं, जो सोने की तरह चमकते हैं। इस नदी के रेत भवन निर्माण आदि के लिए बहुत उपयोगी हैं। यह रेत पूरे बिहार, शहडोल, रीवा में भवन निर्माण के लिए उपयोग होता है, तो यूपी के सोनभद्र समेत पूर्वांचल के कई जिलों में और बाहरी क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। बता दें कि सोन नदी का उल्लेख रामायण आदि पुराणों में भी आता है। नदी की सहायक नदियों में सोन का प्रमुख स्थान है। इसका पुराना नाम संभवतः सोहन था, जो पीछे बिगड़कर सोन बन गया। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ से निकलकर 350 मील का चक्कर काटती हुई पटना से पश्चिम गंगा में मिलती है। इस नदी का पानी मीठा, निर्मल और स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसके तटों पर अनेक प्राकृतिक दृश्य बड़े मनोरम हैं। अनेक फारसी, उर्दू और हिंदी कवियों ने नदी और नदी के जल का वर्णन किया है। इस नदी में डिहरी अनसोन पर बांध बांधकर 296 मील लंबी नहर निकाली गई है, जिसके जल से शाहबाद, गया और पटना जिले की लगभग 7 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। बता दें कि यह एक ऐसी नदी शांत रहती है। इसका तल अपेक्षा छिछला और पानी कम ही रहता है। बरसात में इसका रूप विकराल हो जाता है। पानी मटियाले रंग का, लहरें भयंकर और झाग से भरी होती है। तब इसकी धारा तीव्र गति और बड़े जोर से बहने लगती है। वहीं लोकल एटीन से खास बातचीत में गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट के संस्थापक रवि प्रकाश चौबे ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सोन नदी विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला से उद्गम हुआ है। अमरकंटक से निकलकर सोन प्रवाहित होती है। सोन नदी का जिक्र अग्नेय पुराण के अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी किया है। सोन को भी ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जाना जाता है। सोन का विवाह नर्मदा से होना था, तो किन्हीं कारण से आगे नहीं हो सका। आइए सुनाते हैं और सोन नदी के उल्लेख को बताते हुए रवि प्रकाश चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है लोकल 18 से खास बातचीत में। इससे पहले आपको बता दें कि सोन नदी के नाम पर ही यूपी के आखिरी जिला सोनभद्र का नाम माना जाता है कि रखा गया है सोनभद्र। तो आइए अब लेकर चलते हैं रवि प्रकाश चतुर्वेदी के पास और सुनाते हैं और क्या कुछ जानकारी देते हुए सोन नदी के बारे में उनके द्वारा बताया गया। ब्रह्मपुत्राय सोनभद्राय नमः। सोन नदी का उद्गम स्थल विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से हुआ है। सोन नद इसके बारे में अग्नि पुराण में सोन महात्म के बारे में बताया गया है। साथ ही तुलसीदास जी ने रामायण में रामचरितमानस में भी मिले महान सोन सुहावन विविध ताप तासक त्रिमुहानी की संज्ञा दी है। यह सोन नद्र ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। किंवदंती कहानियों के अनुसार नर्मदा जी से इनका विवाह होना था, लेकिन संयोग नहीं था। इनको पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार राज्य होते बंगाल में इनको जल देना था। यह वर्तमान में गंगा नदी से पहले की यह सोन नद है, लेकिन अभी गंगा नदी की दूसरी सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में यह सोन नद जाने जाते हैं। यह सोन नद सोनभद्र जनपद सहित कई जनपद की यह लाइफ लाइन है। सोन नद से करीब 8 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित है, जिसकी सिंचाई होती है, जिसके बांध बनाए गए हैं।
और तमाम अभी बाढ़ सागर बड़ा बहुत बड़ा बांध बन रहा है जिससे लाखों हेक्टेयर की उसे सिंचाई होगी। और सोन नद हमारे महात्म्य में बताया गया है, सोन के बारे में जो हमारे अग्नि पुराण में उसमें सोन के उत्तर कार्तिक स्नान में प्रात स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें अगर एक महीना हम अगर सोन नद के उत्तर दिशा में प्रात स्नान करते हैं, कोई भी जब तक करते हैं, बहुत फलदायी होता है। गंगा जी के से भी बहुत ज्यादा फल है, गंगा जी के दर्शन पूजन आचमन से है। लेकिन अगर सोन नद का आप अपने घर में सोन महात्मा की कथा अगर आप अपने घर में सुनते हैं तो बहुत बड़ा फल उसका है। तो इसलिए बहुत बड़ा सोन नद का महत्व है। हम यही चाहते हैं कि यह सोन नद हमारी अविरल धारा बनी रहे। जय सिया। तो आपने सुना रवि प्रकाश चतुर्वेदी द्वारा इसे लेकर के क्या कुछ कहा गया। ऐसी और खबरों के बने रहे हमारे साथ। लोकल एक्टिव से मैं अरविंदु वे सोनभद्र।